योग नियो, योग नियो, इनका रक्तपान करो। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेंगे माँ काली? इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। माता कैसे करेंगी इनका संहार? योगनियो, योगनियो, इन असुरों के विपरीत ये रणनीति तो विफल हो रही है प्रथम पूज गणेश जी। नहीं देवराज इंद्र, मां कभी विफल नहीं हो सकती, इसीलिए आप अपने इन नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए। कुमार कार्तिकेय, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु जो हमारे समक्ष है उसे कैसे नकार सकते हैं हम? मां काली, मां चंडमारी और 64 योगिनी माताएं असुरों का वध कर रही हैं, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। हाँ, ये तो उचित है। यदि रक्त बीज का रक्त ही शेष ना रहे तो फिर तो कोई अन्य असुर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। प्रणाम ब्रह्मदेव। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है, किंतु रक्त बीज का रक्त नष्ट कैसे होगा? इनका मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे ही होगा, हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे।
ये तो मेरे असुरों को अपना आहार बना रही हैं। ऐसे तो उनका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। एक एक असुर को आहार बना लो, सभी के रक्त का पान करो, रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने मत दो। जैसी आपकी आज्ञा माता। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेंगी माँ काली? मेरी सेना तो नष्ट हो रही है। माँ महाकाली तो अपने उग्रतम रूप में है। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुम के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी धूर्तापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है? फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लग गए। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती है जो धर्म का पालन करता है। रक्त बीज, तुम तो शुंभ और निशुंभ से भी अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है, अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था, फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा, करूंगी तुम्हारा। Oh!
जय जय माता महाकाली। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का। माता ने रक्त बीज का संहार तो कर दिया किंतु क्या गणेश जी? किंतु माता के क्रोध का अंत अभी नहीं हुआ है। शीघ्र असुरों के विजय की, मेरी असुर महानायक शुंभ की विजय की सूचना प्राप्त होगी मुझे। असुर महाराज शुंभ! ये तो असुर दूत सुग्रीव का स्वर है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव हमारे विजय की सूचना लेकर आया होगा। असुर महाराज, मुझे अभी ज्ञात हुआ देवी काली ने रक्त बीज और उसके संपूर्ण सेना का अंत कर दिया। असंभव! रक्त बीज का वध असंभव है। मुझे असुर महानायक से दूरी रहना चाहिए। रक्त बीज का अंत कैसे हो सकता है? उसका रक्त बहता है तो अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। उसका रक्त बहे बिना उसका कोई अंत कैसे कर सकता है? उनका रक्त नहीं बहने दिया देवी काली ने। मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने उनका और उनकी संपूर्ण सेना का भक्षण कर लिया। भक्षण? अर्थात देवी काली ने उन्हें अपना आहार बना लिया। और समाचार तो यह भी है कि अब देवी काली ने निशुंब खेचर और उसकी संपूर्ण सेना को अभी इसी क्षण भेजो वहां और उन्हें आदेश दो कि वो जाए और उसका वध कर दे। प्रातःशुम, आपने विचार कर लिया है ना? आपको पूर्ण विश्वास है क्या ये उचित होगा? असुर महाराज, मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कोई विचार करना है, बस मेरे आदेश का पालन किया जाए। जाओ, खेचर और उसकी सेना को भेजो और काली का वध करने का आदेश दे दो। जाओ। असुर महाराज, देवी काली से उत्पन्न संकट को समझ ही नहीं पा रहे। रक्त बीज के वध के पश्चात माँ काली के रक्त पिपासा और भी तीव्र हो चुकी होगी और अब खेचर और उनके असुरों को उनके निकट भेजने का अर्थ है सीधे मृत्यु के मुख में प्रवेश कराना। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। रक्त, रक्त, मांस, मच्छा, हड्डियां, मुझे रक्त चाहिए।
मांस चाहिए मुझे, मेरी पिपासा भी शांत ही हुई है, मांस चाहिए मुझे, रक्त 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 चाहिए मुझे, रक्त चाहिए, रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी, रक्त दो। पिपासा शांत होगी, रक्त दो, रक्त दो मुझे, रक्त। माता तो और भी उग्र होती जा रही हैं, हमें उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए। हमारे गुहार सुनिए माता, शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, ये उचित है। योगिनी माताएं माँ से अनुरोध कर रही है कि वो शांत हो जाए, उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी माता, अवश्य शांत होंगी वो, है ना मामा जी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं गणेश, जितना प्रतीत हो रहा है उतना सरल ये है नहीं। रक्त की भूखी काली को शांत करना कभी भी इतना सरल नहीं रहा। कौन है ये मेरे समक्ष? कौन है? हम सब योगिनी आपकी पुत्री है माता, अपने पुत्रियों के अनुरोध को स्वीकार किया आपने माता, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि माता अगर आप उग्र अवस्था में रहती तो सर्वनाश हो जाता। भोजन, मेरा भोजन बनोगी तुम सभी, मेरा आहार बनोगी। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। मेरा भोजन बनोगी तुम सभी, मैं तुम्हारे रक्त का पान करूंगी, रक्त रक्त दो मुझे। क्या कह रही है माता, हमारे रक्त का पान करेंगी वो? मुझे रक्त चाहिए, रक्त। माता का क्रोध, उनकी भूख तो हमें लील जाएगी। माता की उग्रता के कारण ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? हाँ गणेश जी, माता तो अपनी योगिनियों का ही भक्षण कर रही है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त 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 चाहिए मुझे। सर्वनाश का सूचक है ये। देवी काली की उग्रता शांत नहीं हुई है, अभी तो और बढ़ गई है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए। उनकी रक्त पिपासा ने उनकी चेतना को अपने वश में कर लिया है, अब वो मात्र अपनी रक्त पिपासा से ही प्रेरित हैं। रक्त चाहिए, रक्त और रक्त, रक्त चाहिए। मामा जी, फूफा जी, कुछ कीजिए, अन्यथा माता योगिनी माताओं का भक्षण कर जाएंगी। मैं यहाँ खड़े होकर ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता, माता मेरा अनुरोध अवश्य सुनेंगी, मेरी प्रार्थना सुन वो अवश्य शांत होंगी, मुझे प्रयास करना चाहिए। गणेश, गणेश कहाँ चला गया? कौशिकी के निकट पहुंचना चाहिए, वही हमें माता के आक्रोश से सुरक्षित करेंगी। कौन
न मैंने, तुम सभी मेरा भोजन बनोगी। मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? मेरे मुख में प्रवेश करो, आहार बनो मेरा। क्षमा कर दीजिए माता। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस योगिनियों की रक्षा करने का प्रयास कर रही हूँ। दृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। यदि कोई स्वयं से अपना नियंत्रण खो बैठे तो धैर्य से काम लेकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।